न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला की बाबल विधानसभा सीट से दो बार चुनाव लड़ चुके जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल ने सहकारिता घोटाले को लेकर आज एक बार फिर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि घोटाला तो घोटाला है, घोटाले का क्या छोटा और क्या बड़ा। मंत्री जी ने तो घोटाले को अपना अधिकार समझ लिया है। जेजेपी नेता ने सहकारिता मंत्री से सवाल किया कि 100 करोड़ का खुलासा करने वाली एसीबी और इस मामले की शिकायतकर्ता भी क्या राजनीति कर रहे हैं। सभरवाल आज रेवाड़ी के गड़ी बोलनी रोड स्थित गुरु टेक सोसाइटी में अपने निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों की मीटिंग ले रहे थे। जेजेपी नेता सभरवाल ने सहकारिता मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए बयान पर भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि इस घोटाले से प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है, लेकिन घोटाले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभरवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ही सहकारिता मंत्री को कुर्ता पायजामा पहनने लायक बनाया, लेकिन जब वे राव के ही नहीं हुए तो आम जनता के क्या होंगे। सभरवाल ने कहा कि अब सहकारिता मंत्री के पल्ले मात्र 500 वोट भी नहीं है और उन्हें लेकर मंत्री के मन में भारी खौफ है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सभरवाल ने कहा कि राव का आशीर्वाद सदा उनके साथ है और क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि वे चुनाव जरूर लड़े। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सवाल पर सभरवाल ने कहा कि यह फैसला हाईकमान करेगा। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है तो वे जी जान से मेहनत कर राव के हाथ मजबूत करते हुए रिकॉर्ड मतों से उन्हें लोकसभा में भेजने के लिए मेहनत करेंगे। इस घोटाले ने पूरे प्रदेश की जनता को शर्मसार किया, कहीं ना कहीं इसके लिए माननीय मंत्री जी दोषी और उनका स्वीकार करना, ये कहना कि घोटाला सभी सरकारों में होते, ये साबित करता कि उनके संरक्षण में घोटाला हुआ है। आज कहीं चले जाओ, पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर बच्चे बच्चे की जबान पे उस घोटाले की चर्चा। आज मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये हुआ तब से जो लोगों की भावना, मैं स्पष्ट कहता हूं कि प्रदेश की गठबंधन सरकार और प्रदेश की जनता किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो समय आ गया, इस समय सबक सिखाएगी। और आज से 5-7 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि कुछ लोग विधायक बनने के सपने सजोए बैठे थे। मैं कहना चाहता हूं, आज इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग जो विधायक बनने का सपना सजोए हुए थे, वो कुर्ता पजामा अपना संदूक में बंद कर दें। मैं तो माननीय मंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कहता हूं और धन्यवाद करता हूं उनकी सोच का, और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्होंने उनको कुर्ता पजामा पहनने लायक बनाया। अगर किसी ने उनको कुर्ता पजामा पहनाया तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पहनाया उनको। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं जो उन्होंने मुझे कहा, जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा, अरे ये बुजुर्ग बैठे हैं ये कहते हैं, इनकी बहुत बड़ी कहावत है, साल तो बोल रहे सलनी भी बोल रहे। वो व्यक्ति जिसके पास 500 वोट नहीं, वो इस तरह की बातें करता है। आज थोड़े दिन बाकी हैं, उसके बाद में पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा और जो कुर्ता पजामा है उस कुर्ता पजामा को पब्लिक उस संदूक में बंद करके उसकी ताली भी पब्लिक अपने पास रख लेगी। जवाब देखिए, और विशेष रूप से इस घोटाले ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया। आज जो प्यार प्रेम जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बच्चे उनको भी हम जल्दी ही पूरा करने का काम करेंगे। और इस चाय पे चर्चा के माध्यम से बहुत से ऐसे बात की है कि आप इतनी संख्या में, आपका जो जोश है वो मुझे ताकत और ऊर्जा देता है। जब आपका साथ मेरे कार्यकर्ता को पहचान पाता हूं,
मैं अपने साथी और समर्थक की भावना पिछली मीटिंग में कहा था कि हमने 52 विधानसभा क्षेत्र के 181 गांवों को 60 जोन में बांटने का काम किया और 60 जोन के ऊपर हमने जैसे मेरे से पहले कार्यक्रम तय करने जा रहे हैं, श्याम सुंदर सबरवाल का 52 विधानसभा क्षेत्र के हर घर दस्तक का कार्यक्रम जल्दी ही शुरू किया जाएगा और उसके माध्यम से हर गांव और हर घर को फिर से आपने किया, किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ कहना? मैं नहीं, ये तो माननीय मंत्री जी ने एक टीवी चैनल की डिबेट में स्वीकार किया, घोटाला तो सभी सरकार है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होने लग गया कि माननीय मंत्री जी इसको एक अधिकार समझने लग गए और इस बात को स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ है और घोटाले के लिए कहीं ना कहीं दोषी। और एक दो बातें जो उन्होंने कही यहाँ कुर्ते पर जाने की बात है, कुछ लोग मनसूबे पाल रहे थे विधायक बनने का और लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की विश्वसनीय एजेंसी है एंटी करप्शन ब्यूरो जो भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करती है। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो जिसने इस मामले का 100 करोड़ का खुलासा किया, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? प्रवीण राव गोपी, क्या वो इस मामले में उन्होंने कोई बावड़ से चुनाव लड़ना? लेकिन जब भी वो मीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि जेजेपी नेता, ये दर्शाता है कि उनके माइंड में जो जेजेपी नेता के प्रति कितना खौफ होता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जिन्होंने उनको कुर्ता पजामा पहना, वो उनके नहीं हुए। और जहाँ विधायक की बात है, विधायक तो क्षेत्र की जनता बढ़ाती है। बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि छाज भी बोल रहे, छाज तो बोले बोले छलनी भी बोले। जिस व्यक्ति के पास 500 वोट है वो इस तरह की बात करता है, बड़े अफसोस की बात। मात्र 3-4 महीने का समय बचा, पानी नीचे आ जाएगा, क्षेत्र की जनता बता देगी। जिस संदूक की बात कर रहे थे उस संदूक में कुर्ता पजामा को रखवा करके ताली अपने पास रख लेंगे तब बता देंगे। मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर कहा कि घोटाला 100 करोड़ का नहीं, 8.8 करोड़। घोटाला चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी तो चोरी है। ये तो साबित कर दिया ना कि घोटाला हुआ और अभी जांच चल रही है, जांच भी सामने आ जाएगी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस के साथ उन्होंने किसी विपक्षी पार्टी को मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी सरकार के अंदर खुद ही ACB के थ्रू जांच करवा करके इस घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। सर, अभी आपने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए 52 विधानसभा से गठबंधन को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, अगर सीट वो है भाजपा के खाते में जाती है, सबरवाल क्या करेंगे? अगर जैसे आपने बताया कि मेरी भावना नहीं, क्षेत्र की जनता की भावना है कि श्याम सुंदर सबरवाल यहाँ से पड़ते हैं। जहाँ गठबंधन की बात है, गठबंधन का जो फैसला वो शीर्ष नेतृत्व में करना है और गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र से अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती तो निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ से सांसद बनाने के लिए हमारी पूरी टीम दिन रात एक करके पूरे क्षेत्र में प्रयास करेंगे और मेहनत करते हुए रिकॉर्ड मतों से जिता करते हैं। चर्चा ये भी है कि सबरवाल जी जल्द भाजपा ही होने जा रहे हैं, राव का कितना आशीर्वाद अभी तक मिला है या मिलना बाकी है? राव साहब का तो आशीर्वाद सदा ही रहा है हमारे पास, हम तो उनके बच्चे हैं। उनका प्यार, प्रेम और स्नेह जब भी उनको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मिलता रहता, वो हमें एक एनर्जी और ताकत देते हैं। आपको लग रहा है कि उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं? जी, मैंने तो नहीं कहा छोड़ दे, अभी आपको लग रहा है कि उन्होंने उनको कुर्ता पजामा पहना? हाँ, मैंने कुर्ता पजामा की बात कही है तो कुर्ता पजामा राव साहब की देन, राव साहब की देन है। राव साहब ने ही तो कुर्ता पजामा पहना है, नहीं तो पता लग गया उसके पास तो 500 वोट भी नहीं है। जो जिस विधायक की बात करते हैं वो मैदान में आकर के देखें, पता लग जाए कि कैसे विधायक बनता है। जनता के दुख दर्द का उसको नहीं पता, समर्थकों का नहीं पता, कार्यकर्ता का नहीं पता, कुछ लोगों के शब्द मुंह में डलवा करके वो बोल, ये उनकी भाषा भी नहीं। तो ये मान के चले कि आप गठबंधन में सीट जाए या ना जाए, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ेंगे।
है नहीं, क्षेत्र की जनता ने इस बात के कारण कि क्षेत्र की जनता की भावना है कि श्याम सुंदर शर्मा और यहाँ से विधायक और विधायक तो तभी बनेंगे जब चुनाव लड़ेंगे।